guys, welcome back to my channel. So happy Diwali to all of you, and I am very excited. Like this Diwali I am again at my parents place, like in Delhi, and last year मैंने दिल्ली में celebrate किया था. Let's see कि ये कोविड दिवाली, बिकॉज दिल्ली में बहुत बुरा हाल है एंड मार्केट्स इतनी फुल हैं. एंड टुडे ऑल्सो वी आर गोइंग टू यू नो बाय समथिंग फॉर दिवाली, एंड दिल्ली में काफ़ी ज़्यादा केसेस बढ़ भी रहे हैं. सो आई एम जस्ट होपिंग फॉर द बेस्ट कि कुछ ज़्यादा यू नो चीज़ें बढ़े ना, बिकॉज कोविड और कोविड के सीन्स काफ़ी ज़्यादा इंक्रीज हो रहे हैं दिल्ली में, बिकॉज कोई मान नहीं रहा है और मार्केट में बहुत रश है. सो या वी कांट हेल्प इट नो कि चीज़ें भी खरीदनी होती है. लेट्स सी कि ये दिवाली हमारी कैसी बनती है. सो अभी हम जा रहे हैं मार्केट, एंड उससे पहले मैं बाहर की यू नो गेट में थोड़ी बहुत चीज़ें लगानी है, वो लगा लेती हूँ. सो लेट्स गो. तो ये जो हम लटकन और झालर लेकर आए थे वो हम अब बाहर गेट पे लगाएंगे. मार्केट आ चुके हैं और ये फ्लोटिंग कैंडल्स है जो फ्लोट करेंगी. एंड यहाँ पे काफ़ी सारी चीज़ें मिल रही थी गनियाँ, एंड मार्केट में बहुत ही ज़्यादा रश है. और ये मार्केट है तिलक नगर की मार्केट, यहाँ पे देख सकते हैं बहुत सुंदर दिए मिल रहे थे. वी जस्ट बैक फ्रॉम द मार्केट एंड नाउ हम लोग प्रिपेयर कर रहे हैं दिवाली की, एंड मैं यहाँ पे दिए लगा रही हूँ फ्लोटिंग वाले कैंडल्स. लेट्स सी ऐसे है, और ये कैंडल्स है, और ये पानी है, इसमें हम रिफाइंड डालेंगे. इसमें डालना होता है रिफाइंड. इसको ऐसे मिक्स कर. सो ये ऐसे यहाँ पे ऐसे डालो, एंड दीज आर रेडी. इस बार ज़्यादा रेडी होने का मन नहीं किया, मन मतलब थोड़ा बहुत तो ऑब्वियसली है ना, बट कुछ ज़्यादा नहीं, एंड घर पे ही है. तो यहाँ पे अब हम बाहर दिए जलाने की प्रिपरेशन कर रहे हैं. सारे दियों में सरसों का तेल एंड बत्तियाँ लगाएंगे, एंड हम जलाएंगे अब दिए. और इसके बाद ना दिए, ये देखो आप हमारे दिए रेडी हो चुके हैं. और दिए जलाने के बाद हम लोग करेंगे आरती और फिर पूजा करेंगे, और ये चले पापा दिए लगाने. इस तरीके से हम लोग हमारी हर सीढ़ी में दिए लगाते हैं. दिवाली के दिन बहुत ही सुंदर लगता है घर, और इस दिन हर जगह हर एवरीवेयर से फ्लाइट्स होती है, बट थोड़ी सी लोगों को अक्कल आ जाए क्रैकर्स जलाएं ना, और जो बाहर यू नो एनिमल्स हैं उनका भी ख्याल रखें. डॉग होते हैं, कैट्स होते हैं, वो लोग बहुत डरते हैं. वी आर डन विद द पूजा, एंड कुछ तो बनाया. और बाहर ना लोगों को बिल्कुल भी शर्म नहीं आ रही है, इतने पटाखे जल रहे हैं ना दिल्ली के लोग, आई स्वेयर, इतना मना करने के बाद भी बट स्टिल पटाखे जला रहे हैं. आपको आवाज़ भी आ रही होगी. सो या पूजा हो चुकी है और हम चले कुछ खाने. क्या क्या बनाया है मम्मी ने, लेट्स सी. मम्मी ने बनाई है खीर. इस बार की दिवाली यू नो लोग रिलेटिव्स के घर जाना होता था, लोग आते थे, बट दिस टाइम ऐसा कुछ भी नहीं हुआ. हार्डली हमारे घर कोई आया एंड हम किसी के घर गए, बट स्टिल आई एम स्पेंडिंग अ वेरी गुड टाइम विद माई फैमिली. एंड आई थिंक फैमिली से बढ़कर कुछ नहीं तो इंडिया. आई एम स्पेंडिंग ब्यूटिफुल टाइम विद माई फैमिली. या अगर आप सुन सकते हैं बाहर ना लोग बहुत सारे पटाखे चला रहे हैं, आई हेट इट. और इतना पोल्यूशन होता है, घर पे भी उड़ कर आते हैं, क्योंकि आज क्या होता है कि लोगों के ना डोर्स गेट्स ओपन रहते हैं, तो पोल्यूशन घर के अंदर भी आता है इतने. और ऐसा नहीं है कि लोग बहुत लाइट बॉम्ब जला रहे हैं, बहुत मोटे मोटे लोग यू नो जिनकी आवाज़ें बहुत ज़्यादा होती है, जो बहुत ज़्यादा पोल्यूशन फैलाते हैं, वो वाले बॉम्ब्स जल रहे हैं. सो एनीवेज गॉड ब्लेस देम. सो या हैप्पी दिवाली वंस अगेन टू ऑल ऑफ यू. बट क्या कर रहे हो तुम, क्या कर रहे हो?
इतनी बेकार कैंडल्स थी ना जो उसने हमें बेवकूफ़ बनाया था कि 10 आज तक ये जलेंगी, बट ये आई थिंक 10 मिनट्स भी नहीं स्टे कर पाई है ना, 10 मिनट्स भी नहीं स्टे कर पाई। देख रहे हैं क्या हो रहा है, लोग बाहर पटाखे चला रहे हैं, लोगों को आज चैन नहीं है। कैन यू सी द पोल्यूशन, लाइक आई एम श्योर आप लोगों को कैमरे में देख होगा, बट स्टिल इतना ज़्यादा